नमस्कार मित्रांनो, मी विवेक सुरू आहे. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे व्हायरल स्वॅग टी व्ही. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीरा जगन्नाथ के बारे में. आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरे हिसाब से अब की है स्मार्टेस्ट लेयर. यस, सीज़न 3 में जो हमने नोटिस किया, जितना 3 दिन हमने देखा, उस पे से मैंने कंक्लूजन निकाला है कि जितने भी प्लेयर्स या जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट जो है वो है मीरा जगन्नाथ. क्यों, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको. प्रीमियर नाइट से, तो प्रीमियर नाइट में जब मीरा जगन्नाथ की एंट्री हुई, उनको बेडरूम एरिया दिया गया, तो हमें पहले तो लगा था कि मीरा जगन्नाथ विल बी नॉर्मल कंटेस्टेंट, वो कुछ ज़्यादा धमाका नहीं करेगी. बट जैसे ही वो अंदर एंटर हुई, उन्होंने इश्यू बनाना स्टार्ट किया बेड पे से. सो शी वॉन्टेड अ सिंगल बेड, बट कोई भी सिंगल बेड खाली नहीं था और सारे जो खाली थे वो थे डबल बेड. तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई मैं बेडरूम की मालकिन हूँ, बेडरूम मेरे अंडर है, तो सबको मेरा कहना मानना पड़ेगा. और उन्होंने कन्विंस करने का ट्राई भी किया. पहले सोनाली के पास गई, फिर विशाल के पास गई कि भाई बेडरूम एरिया मेरा है तो यहाँ पर मेरा सब कुछ कहना मानना पड़ेगा आपको, और वो बेड मुझे देना पड़ेगा. तो पहले ही दिन उन्होंने इश्यू बनाना स्टार्ट किया और वो वहीं से ही सुर्खियों में आ गई. तो प्रीमियर नाइट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइमलाइट जो है वो ग्रैब की. अब बात करते हैं डे वन की, उनकी स्मार्टनेस की. सो डे वन पे नॉमिनेशन से पहले सबकी, आपने सभी ने देखा होगा कि उनकी जय के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी क्लीनिंग के बारे में, या तो फिर सोनाली से भी उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी कि जो वोला टावल तिन्ने बेड वर्क ठेवलेला त्याबद्दल. तो जय ने तो अपना सूखा टावल रखा था, फिर भी उन्होंने मुद्दा एक बना लिया कि कैसे सुर्खियों में आना है. तो जय ने सूखा टावल रखा था, उस पर से मुद्दा बना के मीरा ने लड़ाई कर ली जय के साथ. बट स्मार्टनेस उन्होंने कहाँ दिखाई, नॉमिनेशन टास्क में. नॉमिनेशन टास्क में करना क्या था, टकाऊ या टिकाऊ. तो टकाऊ और टिकाऊ में उनको, हमें ऑलरेडी पता है कि मीरा का बॉन्ड आविष्कार के साथ है क्योंकि आविष्कार उनके सेवक थे, तो उन्होंने हमारे हिसाब से तो उनको आविष्कार को रखना चाहिए था टकाऊ में. बट हियर मीरा यूज हर स्मार्टनेस और उन्होंने टकाऊ में जय का नाम लिया क्योंकि उनको पता था कि अगर जय के पास जब ऑप्शन आएगा तो वो जब फेंकने की बारी आएगी तो मीरा को ही पहले फेंकेंगे. बट यहाँ पर उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई और जय का उन्होंने नाम ले लिया टकाऊ में, ताकि जय जो है वो जब उनकी टर्न आए तब मीरा को स्विमिंग पूल में ना ढकेल दे. तो ये काफ़ी अच्छी स्मार्टनेस यूज़ की. और जो दूसरा नाम उन्होंने टाकने में ले लिया कि जिनको स्विमिंग पूल में डालना है, तो वो एक नाम उन्होंने ऐसा लिया कि जो ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है. सो ये काफ़ी अच्छे से स्मार्ट प्ले किया मीरा ने यहाँ पर भी. और जैसे ही नॉमिनेशन ख़त्म होता है, उसके बाद जब उनको पता चला कि वो नॉमिनेटेड है, तो वो भी उनको पता है कि जब नॉमिनेटेड है तो ज़्यादा दिखना है और कैसे दिखना है वो भी उनको काफ़ी अच्छे से पता है. और उन्होंने स्टार्ट की आर्ग्यूमेंट्स नेहा वाघ के साथ. जी हाँ, आप अगर किचन में जाओगे तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट जैसा कोई पॉइंट नहीं था. खाना जो था वो वैसा भी नहीं था कि डे वन पे आपको काफ़ी कम खाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको खाना कम पड़ा तब आप उसी वक्त सुबह ही बोल देती कि भाई माझा पोट नहीं भर ले, माला कमी पड़ ले. बट शी इज़ मेकिंग अ मुद्दा इन इवनिंग अबाउट कुकिंग. सो वो काफ़ी अच्छे से वो मुद्दा बना लिया उन्होंने और काफ़ी अच्छे से उन्होंने अटेंशन जो है वो सबका पा लिया. तो ये भी किया उन्होंने. डे टू की बात करें तो डे टू के टास्क में भी उन्होंने काफ़ी दिमाग लगाया अपना और जो सारे बॉयज़ जो है उनको मतलब क्लियर कर दिया कि अगर आप जीतते हो तो आपकी प्रायोरिटी कौन रहेगा, क्योंकि लड़के के साथ साथ कोई एक लड़की भी सेफ होगी उस टास्क के एंड में. तो उन्होंने सारा आइटम्स जो है वो अपना उत्कर्ष को दिया, उत्कर्ष का कॉन्फिडेंस उन्होंने हासिल कर लिया. साथ ही साथ नेक्स्ट में विशाल को भी वो अपने हिसाब से समझा रही थी, विशाल निकम को, जब ऑटो जो चलाने की बारी आई थी तब. सो मेरे हिसाब से अभी के लिए भले ही चाहे नेगेटिव में भी क्यों ना हो, बट मीरा जगन्नाथ जो है वो चर्चा में है और वो सुर्खियाँ बना रही है. तो मीरा जगन्नाथ इन 3 दिन के एनालिसिस के बेस पर मेरे लिए स्मार्टेस्ट प्लेयर है. तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन है स्मार्टेस्ट प्लेयर.